नमस्कार, हमारे चैनल ब्राइट स्पॉट पर आपका स्वागत है। आज हम बेबी बूटी बनाएंगे न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ये देखिए इस तरह की, इस तरह नीचे बेस हम ऑरेंज कलर का रखेंगे और ऊपर हम बनाएंगे ये क्रीम कलर से। ये देखिए इस तरह की। इसके लिए मैंने ये 10 नंबर की सिलाइयां ली हैं और इसमें डाले हैं 29 फंदे। इसको कैसे बुनना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे और एक फंदा हमको यहाँ पर बढ़ाना है, तो आप जैसे बढ़ाना चाहें वैसे बढ़ा लें। ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया और अब 13 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। 13 फंदे सीधे बुन लेते हैं। 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब यहाँ पर हम फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया और एक फंदा हमको सीधा बुनना है। एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदा हमने फिर बढ़ा लिया और अब हमें 13 फंदे सीधे बुनने हैं। एक दो, ये देखिए 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा दिया और ये एक लास्ट का फंदा, इसको हमें सीधा बुन लेना है। और अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, इसको हमें पूरा सीधा बुनना है। इसमें कोई फंदा बढ़ाना घटाना नहीं है, पूरी सिलाई को हमें सीधा सीधा बुन लेना है। उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, अब हम फिर सीधी सिलाई पे आ गए। अभी हमने एक फंदा उतारा था, देखिए एक फंदा हमने उतार लिया और दूसरा फंदा हमको सीधा बुनना है। देखिए दूसरा फंदा हमने सीधा बुना, दो फंदे हमारे हो गए, यहां पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमने बढ़ा लिया और अब 13 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। एक दो, देखिए 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब हम यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे। ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया और ये तीन फंदे अब हमको सीधे बुनने हैं। पहले हमने एक बुना था, अब हमको तीन बुनने हैं। दो तीन, ये तीन सीधे बुन लिए, उसके बाद हमने यहां पर एक फंदा फिर बढ़ा लिया और अब 13 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। एक, देखिए 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, यहां पर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। एक फंदा बढ़ा लिया, अब दो फंदे हमको यहां सीधे बुनने हैं। एक दो, और उल्टी सिलाई हमको पूरी सीधी बुन करके कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई हम पूरी सीधी बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, अब हम सीधी सिलाई पर हैं। पहले हमने एक उतारा, अब हम दो बुनेंगे। एक दो तीन, ये तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए और तीन के बाद हमने एक फंदा यहां पर बढ़ा लिया, उसके बाद हमको 13 फंदे सीधे बुनने हैं। एक, देखिए 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब हम यहां पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। पहले हमारा बीच में एक फंदा सीधा था, फिर तीन हो गए, अब हम पांच फंदे बीच में बुनेंगे। एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे हमने सीधे बुन लिए, उसके बाद हमको यहां पर फिर एक बढ़ाना है, उसके बाद ये 13 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। एक दो, 13 फंदे सीधे बुन लिए, यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे और ये तीन फंदे हमको सीधे बुनने हैं। एक दो तीन, उल्टी सिलाई पूरी सीधी बुन करके कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, हम सीधी सिलाई पे आ गए। अब हमको चार फंदे बुनने हैं। देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे हमने सीधे बुने, उसके बाद एक फंदा हम यहां पर बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमने बढ़ा लिया, अब 13 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। एक दो, 13 फंदे बुन लिए, अब हम यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ा लिया और अब हमें बीच में सात फंदे बुनने हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात, ये सात फंदे हमने बुन लिए, यहां पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया, इसके बाद हमें फिर 13 फंदे बुनने हैं। एक दो, 13 फंदे बुन लिए, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे और ये चार फंदे हमको फिर सीधे बुनने हैं। एक दो तीन चार, और उल्टी सिलाई
पूरी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। दो तीन चार, ये पूरी सिलाई हमको सीधी बुननी है। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई, अब हम सीधी सिलाई पर हैं। इसमें अब हमें पांच फंदे सीधे बुनने हैं, दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे हमने सीधे बुन लिए। एक फंदा हम यहां पर बढ़ाएंगे, देखिए एक फंदा बढ़ गया और अब तेरह फंदे हमको सीधे बुनने हैं। दो तेरह फंदे सीधे बुन लिए, यहां पे एक फंदा फिर हम बढ़ाएंगे, एक फंदा बढ़ गया और अब हमें बीच में नौ फंदे बुनने हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ये नौ फंदे हमने सीधे बुन लिए। यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ाएंगे और अब हमें तेरह फंदे फिर सीधे बुनने हैं। एक दो, ये देखिए तेरह फंदे हमने बुन लिए, यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ाएंगे और ये पांच फंदे हमको सीधे बुनने हैं। ये सिलाई हमारी अब कंप्लीट हो गई और हमारे 20 फंदे बढ़ गए, चार चार फंदे करके हमारे बढ़े हर सिलाई पर, हर दूसरी सिलाई पर। तो इस तरह से हमारे बढ़ करके ये हमारे 29 फंदे थे और 20 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए, तो 49 फंदे हमारे इसमें हो गए। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई को हमको, अभी हम सीधा सीधा बुन रहे थे, अब हमको इसको उल्टा उल्टा बुनना है। ये पूरी सिलाई हमको उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है, सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए हमने कलर चेंज यहाँ से करेंगे, ये हमारा बुन करके इतना तैयार हो गया बेस हमारा, और अब यहाँ से कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करके ये सिलाई हमको पूरी सीधी सीधी बुननी है। पूरी सिलाई हमको सीधी सीधी बुन करके कंप्लीट करनी है। देखिए पूरी सिलाई हमने सीधी बुन करके कंप्लीट कर ली, उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे और इसी तरह से छह सिलाइयां हमको सीधी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। छह रो बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमें किस तरह का बुनना है। ये देखिए आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बुनते हुए छह सिलाइयां हमने ये कंप्लीट कर ली। ये छह रो हमारी कंप्लीट हो गई और हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। देखिए जैसे इसमें हमने ये बाउंड्री बनाई है, ये देखिए इस तरह की ये बाउंड्री बनाई है, इसी तरह की हमको बाउंड्री बनानी है। तो इसके लिए हम ये फंदे हमको इस तरह से करने हैं और ये फंदे जो तो आपको व्हाइट दिख रहे हैं इसमें से हमको इसको उठाना है। ये देखिए ये फंदा एक उठाते हुए चलेंगे इसमें से, ये वाला ये फंदे हैं इसको हम उठाएंगे यहां से। और देखिए किस तरह से उठाना है, एक फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, एक फंदा हमने बुन लिया और अब हमको पलट कर इस तरह से एक फंदा हम इसमें से उठाएंगे। ये व्हाइट आपको दिखाए थे इस तरह से ये लेंगे और ये फंदा हम इस पे देखिए इस पे हमने चढ़ा लिया और ये दो का एक कर देंगे। ये देखिए हमने दो का एक कर लिया, एक हमारा फंदा ये हो गया। अब हमें फिर यहां से एक फंदा उठाना है। ये देखिए जब उठाया था अब हमें ये वाला उठाना है। ये देखिए ये फंदा हमने सफेद उठाया और यहां से लगा के इसको दो का एक कर लेंगे। देखिए ये इसका हमने दो का एक किया, फिर इसी तरह से ये देखिए अब हमें फिर यहां से उठाएंगे। ये देखिए ये इसी तरह से जितने भी फंदे हैं एक यहां से और एक यहां से इस तरह से हम उठाते हुए चलेंगे और इसको हमें बाउंड्री बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये हमारी बाउंड्री बनती हुई चलेगी, इसी तरह से हम सब बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी बाउंड्री बन करके ये तैयार हो गई। इस तरह से ये बाउंड्री हमने पूरी तैयार कर ली। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई पे हमको क्या करना है, देखिए अब हमको यहाँ पे फंदे उतारेंगे। ये हमको 21 फंदे यहाँ पर हमको उतार लेने हैं। उल्टी सिलाई है हमारी और 21 फंदे हम उतारेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह
17, 18, 19, 20, 21 21 फंदे हमने इस सलाई पर उतार लिए। और हमें क्या करना है, अब हमें 28 फंदे हमारे यहाँ पे, ये हमारे 28 फंदे बचे हैं, और इनको उतारने के बाद अब हम 7 फंदे यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पर हम ऊन को यहाँ से तोड़ के यहाँ पर हमको जोड़ना है ऊन को। ये देखिए 21 फंदे हमने उतार लिए, अब यहाँ से हम ऊन जोड़ लेंगे। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। यहीं से उनको आगे कर लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पर हैं, यहाँ पे हमको 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1, 2 ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हमको एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना है, तो देखिए इस तरह से हम घुमाएंगे इसको, आगे से उनको पीछे ले जाएंगे और इस तरह से इस पर चढ़ा लेंगे, तो एक फंदा हमारा यहाँ पर जाली बन जाएगी। और 3 फंदे अब हमको सीधे बुनने, 1, 2, 3 3 फंदे हमने सीधे बुने, उनको इस तरह से घुमाएंगे। देखिए इस तरह से उनको आगे लाए और इस पर चढ़ा लिया, और अब हमें एक फंदा, ये देखिए एक उल्टा हमने बुन लिया, और एक फंदे की ये हमारे ये एक फंदा बचा है, इसको और इसको हमें मिला करके 2 का 1 करना है। ये देखिए 2 फंदे का हमने 1 कर लिया, उनको यहीं से हम टर्न कर लेंगे। अब हम पीछे उल्टी सिलाई पर आ गए, इस पे हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे हमने उल्टे बुने, 1 लास्ट का ये बचा, और 1 फंदा हमको इसमें से लेना है। हर बार जब हम उल्टी सिलाई पर इधर आएंगे तो हमको 1 फंदा इधर से लेना है, तो ये हमारा कम होता जाएगा 1 फंदा, और बीच में हमारा 1 फंदा यहाँ पर बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हम, अब हम सीधी सिलाई पर हैं, देखिए अब सीधी सिलाई पर हैं, अब हमें पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 और ये 3 3 फंदे हमने बुन लिए। अब हमको यहाँ पर जाली डालनी है, तो उनको पीछे किया और इस तरह से घुमा दिया है, और यहाँ 3 फंदे ये बीच के सीधे बुनेंगे, 2 और ये 3 3 फंदे सीधे बुने। अब हमें एक यहाँ पर जाली डालनी है, तो इस तरह से उनको आगे लाए और इस तरह से घुमा लिया, और ये 1, 2 फंदे हमने उल्टे बुने, और यहाँ पर हमें 2 का 1 करना है। ये देखिए 1 फंदा हम इसमें से लेंगे और 1 फंदा हमारा बीच वाला, ये हमें 2 का 1 करना है। इसी तरह से बुनते हुए हमको बीच में जब हमारे यहाँ पर 29 फंदे हो जाएंगे, तब तक हमको इसी तरह से बुनना है, 1 फंदा इधर से घटाते हुए चलेंगे और 1 फंदा इधर से, 1 इसमें से लेंगे और इसका 2 का 1 करेंगे, 1 इसमें से लेंगे और इसका 2 का 1। तो ये बीच में हमारे जब 29 हो जाएंगे, तब तक हमको इसी तरह से बुन करके तैयार करना है। ये जाली बनाते हुए यहाँ तक हमने इसको बुन लिया, 1 इधर का फंदा, 1 इधर का फंदा बंद किया, और इधर से भी 1 फंदा बंद करते हुए ये 29 फंदे हो गए। हमको यहाँ 29 फंदे हो जाने चाहिए थे, हमारे हो गए। अब हमें उल्टी साइड से इसको देखिए कैसे बुनना है। 29 फंदे होने के बाद ये हमारा उल्टी साइड है, उल्टी साइड से पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, और अब हमें बीच के फंदों को बंद करना है। देखिए कैसे, किस तरह से 2 का 1 किया, ये फंदा हमने इसी पे उतारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 फंदे हमने बीच से बंद कर लिए।
अब हमारे देखिए कितने फंदे बचे, एक फंदा ये है हमारा, दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ, नौ फंदे हमारे इधर और नौ फंदे हमने शुरू में बुने थे। अब ये आखिरी का एक फंदा और एक इसमें से, इन दोनों को हमको एक करना है। ये देखिए दो का एक कर दिया और इसको हम यहीं से मोड़ लेंगे। अब हमें ये पूरी सिलाई यहां से यहां तक हमको सभी फंदे उल्टे बुनने हैं, ये सभी फंदे हम यहां तक उल्टे बुन लेते हैं। देखिए सभी फंदे यहां तक हो गए, हम उल्टी सिलाई पे आ गए। यहां से फिर हमें ये फंदे उल्टे बुनते हुए चलना है कि एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हो गए। एक फंदा फिर हम इधर से लेंगे और इधर से इस तरह से हर सलाई पे आकर के एक एक फंदा इसमें से हमें लेते जाना है और जब इसका आखिरी फंदे तक हमको इसको इसी तरह से इसमें मिला लेना है। सभी फंदे हम इसी तरह से एक एक करके बंद कर लेंगे। इसी तरह से हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमें किस तरह से करना है। देखिए हमने सभी बाइंड ऑफ कर दिए सभी फंदे, अब हमारे एक फंदा यहाँ पर बचा है। अब हमें हम उल्टी तरफ से हैं, उल्टी सिलाई पर, और इसको हमें अब सभी फंदों को बंद करना है। ये देखिए दो का एक करके हमको सभी फंदे बंद कर देने हैं। इस तरह से हम दो का एक करते जाएंगे और सभी फंदों को बंद कर देंगे। सभी फंदे बंद कर लिए, एक फंदा ये बचा है, इसको हमें निकाल के और इसमें से इस तरह से हम निकालेंगे और ये धागा को लेंगे, इस तरह से इसको टाइट यहां से कर देंगे और कट कर देंगे, थोड़ा लंबा कट करेंगे जिससे कि ये हमें सिलाई में काम आएगा। इस तरह से ये देखिए ये हमारा इस तरह से ये बंद हो गया। अब हमें इस तरफ का ये देखिए करना है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हम धागा जोड़ेंगे जैसे पहले हमने किया था, उसी तरह से ये हम धागा यहाँ पर जोड़ लेंगे इसको, देखिए, और इस तरह बुनते जाएंगे। उल्टा बुनना है, देखिए सभी फंदे हम उल्टे बुनेंगे यहां तक, हमको यहां तक बुनना है। उसके बाद एक फंदा ये और एक फंदा ये, जैसे हमने उधर किया था उसी तरह से एक लास्ट का फंदा और ये लास्ट का, इन दो को हम एक करते जाएंगे और इसी तरह से सभी फंदे हम बंद करेंगे। देखिए एक बार दिखा देते हैं आपको इधर का, तीन चार पांच छ सात आठ, ये आठ फंदे बुन लिए और ये फंदा एक इस साइड का, एक फंदा ये और एक फंदा ये, इन दोनों को हम एक कर देंगे और बस यहीं से हमको इसको टर्न कर लेना है और इधर हमें पूरी सिलाई उल्टी बुननी है और इसी तरह से ये सभी फंदे हमको बंद करेंगे। लास्ट में हम इसको एक फंदा जब रह जाएगा तब हम इसको पूरा बंद कर देंगे। इसी तरह से पूरा बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक फंदा हमारा यहाँ लास्ट का बचा है और इसको हम इसी तरह से बुन लेंगे, इसको हम अब नहीं घटाएंगे और उल्टी सिलाई पर ये देखिए हमने इसको इसी तरह से ऐसे बुन लिया और उल्टी सिलाई पर हम आ गए। अब हमें सभी फंदों को बंद कर देना है, ये सभी फंदे हम देखिए दो का एक करके सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। देखिए सभी फंदे हमने इधर के बंद कर लिए और ये लास्ट में इसको हमने बंद किया और इस धागे को हम इस तरह से करके इसमें से निकाल लेंगे और यहां पर इसको और थोड़ा धागा रखेंगे जिससे इसकी हम सिलाई कर पाएंगे। देखिए अब हमें इसको किस तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये देखिए तैयार हुआ, ये देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको सिलाई करेंगे तो इसको हम यहाँ से इस तरह से उल्टा करेंगे, यह हम उल्टा कर लिया और यहाँ से यहाँ तक क्रीम कलर से सिलाई करेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमको ऑरेंज कलर से सिलाई करनी है।
तो इसको सिलाई कर लेते हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, यहां से यहां तक इस कलर से सिलेंगे और फिर यहां से यहां तक हमको इस कलर से सिलना है। तो यहां से यहां तक सिलाई करते हैं। यहां से यहां तक सिल लेते हैं। ये देखिए हमारे न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ तक के बच्चों के लिए, बच्चे के लिए ये हमारे बेबी बूटीज बनकर के तैयार हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैंने इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।